नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे गांव की सड़कों को लेकर, क्योंकि बिहार सरकार जो है अब बिहार के 26 जिलों में सड़कों के निर्माण को लेकर जिम्मेवारी ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1129 किलोमीटर की सड़कें जो है अब वो ग्रामीण इलाके की होगी, जो कि डेवलप होंगी, उन्हें बनाई जाएगी। बिहार सरकार प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है। इन दावों के बीच में वह बिहार में सड़कों की स्थिति को लेकर जरूर बात करती है। ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने बताया है कि प्रदेश के 26 जिलों में करीब 1129 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसको बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बरसात का मौसम जैसे ही समाप्त होगा, वैसे ही इन जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि साल 2024 तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत 117 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान करीब 6 छोटे पुलों का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 666 मीटर होगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इन परियोजनाओं का पूरा खर्च करीब 5 करोड़ रुपया होगा, यानी कि एक एक परियोजना का जो खर्च होगा वो 5 करोड़ रुपया होगा। इन परियोजनाओं में राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होगी, जिसमें कि 60% की हिस्सेदारी केंद्र की होगी, तो वहीं 40% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही साथ जो कंपनियां इन सड़कों को बनाएगी, वह अगले 5 साल तक के लिए इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी उनके पास होगी। फिलहाल सड़क निर्माण को लेकर टेंडर नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि ई टेंडर प्रक्रिया के तहत इसका जो है निविदा किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण को लेकर यही बताया गया है कि 854.17 करोड़ रुपये इस पूरी परियोजना जो है गांव की सड़कों को लेकर उसमें खर्च होना है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में इन सड़कों के निर्माण होने से लोगों की परेशानियां दूर होगी और ग्रामीण इलाकों को लोगों का आवागमन भी सुगम हो सकेगा। आपको बता दें कि इन सड़कों के निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग अपनी तैयारी पूरी कर लिया है, यानी कि उनकी अपनी तैयारियों में जो है वो लगातार जुटा हुआ है। ग्रामीणों की एक शिकायत रही है कि गाँव से लेकर मेन सड़क तक जाने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। अब अगर इस तरह से सड़कों का निर्माण कार्य होता है तो ग्रामीण इलाकों की समस्याएं दूर हो जाएगी। खासकर सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में इस तरह की समस्याएं सामने आती रही है। आइए अब जान लेते हैं उन जिलों के बारे में जहां इस तरह की सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें सबसे पहला नाम अररिया है, उसके बाद अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान, सुपौल और वैशाली जिला शामिल है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ अगर हम कह लें तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, जो अपनी चुनावी सभाएँ हों या फिर अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करना हो, इन सब में जो है बिहार की सड़कों को लेकर वो बड़े बड़े दावे करते हैं। इन सब के बीच में उनका एक नारा ये भी होता है कि अगर आप अपने जिला मुख्यालय से राजधानी पटना आना चाहते हैं तो आप 5 घंटे में राजधानी आ सकते हैं, और दूसरा दावा ये होता है कि आप 1 दिन में राजधानी पटना आकर अपना काम करवा कर लौट सकते हैं। इन सब के पीछे जो तर्क होता है वो यही कि बिहार की सड़कें अच्छी हुई है, अब जो है आप फरातेदार गाड़ियाँ सड़कों पर भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। यही वो कारण है कि लगातार बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग और एक तरह से कह लें कि सड़क के निर्माण कार्य को लेकर लगातार अग्रसर है और बिहार में बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।